खुश आमदीद दोस्तों, आइए हम आज सीखेंगे कि एक एजुकेशन कैंपेन का डिज़ाइन कैसे करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन स्टफ डिज़ाइन, यह साइज ले लेते हैं हम लोग 1200 विथ और 1800 हाइट, रेजोल्यूशन रखते हैं 72 क्योंकि हमें सोशल डिस्प्ले पे देखना है। अब हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है, तो सबसे पहले हम एक लोगो बना लेते हैं जिस कंपनी के लिए हम डिजाइन करेंगे। ये रहा कंपनी का नाम, और इसको हम फॉन्ट देते हैं। और दोस्तों मैं ये जो सारी चीज़ें यूज कर रहा हूँ चीज़ें, वो सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बीच का गैप थोड़ा कम करते हैं और बढ़ाएंगे, साइज बिगर कर लेता हूँ। बस जस्ट ऐसे ही हम एक लोगो डिजाइन कर लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट परचेस कर लेंगे और इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सैंपल लोगो तैयार हो गया। अब हमारे पास जो कंटेंट है उसकी तरफ जाते हैं कि हमारा मेन कंटेंट जो है वो ये है। तो लेट योर ड्रीम बिग एंड फ्लाई हाई, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम इसको सर्च करते हैं कुछ स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट भी है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं पे हैं, या सिर्फ आप सीखने के पर्पज़ में हैं, आपको खुद सिर्फ सीखना है तो आप कहीं से भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किसी कमर्शियल के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आप स्टॉक इमेज परचेस करें। बहुत फेमस वेबसाइट है शटर स्टॉक, आप जानते ही होंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंडियन, आपको अगर इंडियन इमेजेस नहीं मिल रहे तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है imagesbazaar.com, आप अपने क्लाइंट से बात करें, उन्हें बताएं कि एशिया की सबसे अच्छी इमेजेस की लाइब्रेरी उस इमेजेस बाज़ार पे है। आप यहाँ पे सर्च करें imagesbazaar.com, आपको इंडियन एशियन सबसे बेस्ट इमेजेस यहाँ से, जितने भी आप बड़े ब्रांड्स देखते हैं वो सारे के सारे यहाँ से इमेजेस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रिज़ल्ट है हमारे पास, आई थिंक ये इमेज मुझे ठीक लग रहा है कि हमारे कंटेंट के हिसाब से ये सूट कर रहा है। तो बस हम यहाँ से कॉपी करते हैं इस इमेज को, यहाँ जाते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर जाते हैं। तो ये इमेज हमने कट कर लिया है, अब हम इसको ले जाते हैं अपने डिज़ाइन पे। तो जो पहले हमने रखा था उसको डिलीट कर देते हैं
इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में है, तो हम जस्ट इसके नीचे शेडो ऐड करेंगे। बहुत तरीके हैं शेडोज देने के, मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ठीक लग रहा है। अब एक शेडो हम और लेंगे ऊपर के लिए, नहीं ठीक लग रही मुझे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम इन सबों को लिंक कर देंगे ताकि जब भी हम इसे मूव करें ये एक साथ मूव हो सके। ये हमारा लोगो था। अब हम इसी के ये शर्ट के कलर से हम एक कलर पिक करते हैं, हम ये कलर पिक कर लेते हैं या थोड़ा इसको यहाँ पे हम इसी को एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर लेंगे। काफ़ी अच्छा इमेज लग रहा है। नीचे एक टेक्सचर यूज़ करने के लिए गूगल पे ही सर्च करेंगे फ्लोर लाइन टाइल्स, चलिए इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। इसको ऑन करके बस देखना है जितना हमें यूज़ करना है बस उतना ही लेंगे, बाकी सारा एरिया रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे एज को। इसको सरक के बस इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड के साथ इसको मर्ज कर देंगे। मुझे नहीं ये ठीक लग रहा है, थोड़ी ओपेसिटी इसकी कम करते हैं। आई थिंक 60% ठीक लग रहा है। लोगो को वाइट कर लेते हैं, परफेक्ट, वाइट लोगो ज़्यादा बेटर। अब हमारे पास जो कॉपी है हम उसको लेके आते हैं। सेम फॉन्ट यूज़ करते हैं हम, रेगुलर में यूज़ करेंगे और का गैप एडजस्ट कर रहे हैं तो हम डबल लाइन में कर लेते हैं। को निकाल देंगे, बस साइज एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक 45 है, हम इसको 42 के अराउंड रखते हैं। कोट स्पेशल फील कराने के लिए एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अब हमें इसका सेकेंड कलर चाहिए तो हम यहाँ से ये कलर पिक कर लेते हैं, ये कलर परफेक्ट, ये कलर यूज़ करेंगे। अब हम कोट के लिए ये आई थिंक ये जो फॉन्ट है ये ठीक है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सेम एक इसकी कॉपी लेंगे, इसको इस कॉमा के साथ क्लोज कर देंगे। कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए या तो हम उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उसको होल्ड कर देते हैं ताकि एक फोकस उस पर जाए, तो हम इसको जस्ट इसके अंदर कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम लोगों का कलर चेंज किए थे तो हम इसका भी कलर
चेंज कर लो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सेंटर है या नहीं है, तो आप कंट्रोल ऑल करके फुल सेलेक्ट कर लें पूरे आर्टवर्क को। उसके बाद जो भी लेयर को आपको अलाइन करना है, आर्टबोर्ड से अलाइन करना, यानी ये पूरे चीज़ों से अलाइन करना, आप उसको पहले सेलेक्ट करें, देखें आप एक बार कि वो एग्जैक्ट वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करें, आपके पास ये कंट्रोल्स ऊपर आ जाएंगे। आपको अगर सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर करें, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। हमको अभी सेंटर अलाइन करना है तो हम सेंटर अलाइन करें, फिर डी सेलेक्ट करें। उसके बाद से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हमारा मेन कॉपी है, मेन कॉपी को अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसी को करना रहता है, तो हम इसको कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं ताकि इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर जाए। और एक चीज़, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जितना स्पेस लिया है उतना ही स्पेस हम इस साइड भी लेंगे। हम यहाँ से एक रूलर लगा देते हैं। रूलर का ये बार कैसे आता है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये आ जाए। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा जो है, कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा प्रेस करें, ये हाइड हो जाएगा, और फिर से प्रेस करें ये विजिबल हो जाएगा। 45 परफेक्ट। जस्ट एक डिज़ाइन के लिए एक लाइन हम यहाँ पे ऐड करते हैं जो था बैलेंस रखेगा। हमने अभी जो डिज़ाइन कलर यहाँ से पिक किया है उसी कलर को ले लेते हैं, जस्ट की थिकनेस बढ़ा देते हैं, 3 पे रखेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा ये जो बॉडी कॉपी है, हम सेम इसकी एक कॉपी लेते हैं यहाँ पे, इसको भी हम दो लाइन में कर लेंगे। कैपिटल इसको कैपिटल नहीं रखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी तो हम इसको कैपिटल में नहीं रखेंगे। 36 परफेक्ट, 36 रखते हैं। इसको भी जो मेन फॉन्ट हमारा है उसी वही फॉन्ट यूज़ करेंगे। हम पूरे डिज़ाइन में सिंगल फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे हाईलाइट करें। जस्ट इसको भी हम सेम ऊपर जैसे हमने उसको हाईलाइट किया था, इसको भी उसी तरीके से हाईलाइट कर दें। ऑटो पे रख देंगे। और हमारे पास अगला टेक्स्ट है, एक बटन ऐड करना है, गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमने यहाँ पे शार्प एजेस हैं हमारे, तो हम बटन भी शार्प रखेंगे। एक बटन हम ऐड कर लेते हैं, जो हमारा कलर है जो हमने सेकंड पिक किया था यहाँ से, सेम वही कलर ले लेंगे। टेक्स्ट हम लिख लिए हैं और बटन को भी हम कैपिटल में कर देते हैं। अगला टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है एक डिज़ाइन के अंदर, सारे इंफॉर्मेशन। ये हमारा कोड है, इसे हम ब्लैक कर इसका साइज बिगर कर लेंगे। अब अगला टेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये इनकी टीम है या ये इनका मदर ब्रांड है, तो अब हमारे पास इसका लोगो तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक जस्ट एक इसका एक पैच बना के उसमें डाल देंगे, लोगो के टाइप का फील उसमें डालने के लिए एक स्पेशल ट्रीट कर देते हैं। एक पार्टनर है, इसलिए हम करेंगे।
ये डेट, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं सिंपल ऐड कर देते हैं डेट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो है ये, हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे इसके जस्ट सामने ऐड करना है। अच्छा, इनके जो हम ऐड बना रहे हैं, हमें इसमें इस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है उसे भी ऐड करना है, तो हम इसे डाउनलोड के लिए बटन देते हैं। हम कोई ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों रहे, मुझे ये ठीक लग रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और जस्ट हमें ये वाला चाहिए तो हम इसके साथ चलेंगे, इसको कंट्रोल जे कर देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके जिस कलर को रिमूव करना है वाइट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम सिमिलर पे क्लिक करें और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो कलर डिलीट हो जाएगा। अब इसे हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे इसके सामने प्लेस कर देंगे ताकि ये लगे कि ये इसका एप्लीकेशन है। इसमें कलर ओवरले करेंगे और यहाँ पे इसे वाइट करेंगे, एक डिवाइडर इसके बीच में भी डालेंगे ताकि ये दोनों के बीच में एक सेपरेटर का काम करेगी। तो अभी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ऊपर इसका एक ऐड करेंगे, हमारे पास जो कैरेक्टर है उसमें कार्टून है तो हम एक कार्टून टाइप का क्लाउड ऐड करते हैं। PNG देखते हैं, PNG मिल जाए ठीक है हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कुछ इसमें से यूज़ कर लेंगे, कुछ इसमें से क्लाउड में यूज़ करूँगा, थोड़े सिंपल से आई थिंक काफ़ी होंगे। हम इसे डिलीट कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने हैं क्लाउड। यहाँ तक तो बना दिया लेकिन फिर भी थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है, तो हम एक चीज़ तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा नॉइस ऐड करते हैं, ऐड नॉइस, एक इसकी लेयर ले देते हैं, कॉपी, फिल्टर में जाएंगे, नॉइस ऐड करते हैं, आई थिंक 3 ठीक रहेगा, आया है क्रंच, हार्ड फील कराएगा। इस पे थोड़ा ये ठीक है, आप देख लीजिएगा आपको कौन से ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन ठीक लग रहा है, आप उसके साथ जा सकते हैं। 35% ठीक है। बाय द वे ये मैं यहाँ से कैसे यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप सिर्फ नंबर ऐड करेंगे 1 से लेके 0 तक, 0 करेंगे 100% हो जाएगा, 1 करेंगे 10%, 2 प्रेस करेंगे 20%, 3 प्रेस करेंगे 30%। तो इस हिसाब से यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया 3 एंड 5 तो 35% हो। अब फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है तो हम कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ भी, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं
को 0% कर दो, कुछ क्लाउडिश टाइप रेन इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम, ब्लेंड में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, एट प्रेस कर देता हूँ अभी के लिए, मेक करेंगे, फिर से ब्लेंड पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑन करके इसके स्टेप्स को बढ़ा के देखते हैं, 15 तक इंक्रीज करके देखते हैं ये कैसा आता है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा गैप रखते हैं हम, तो 1 13 आई थिंक ये ठीक रहेगा। अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम अपने फोटोशॉप में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ, मैं इसे थोड़े वेरिएशंस में प्लेस कर दूंगा, बस ऐसे ही रेंडमली zigzag स्टाइल में। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा फील आ रहा है, हम इसमें लुकअप ऐड कर देते हैं ताकि वो सारे कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दे। ये थोड़ा ज़्यादा है, हम इसे हल्का कम कर देते हैं, इसे भी हम 50% तक कम कर देते हैं। हम इस वाले सेक्शन को थोड़ा बिगर करते हैं ताकि हमारा लोगो अच्छे से विजिबल रहे। सेम डिज़ाइन प्रोसेस होंगे। अब आप देख सकते हैं ये सारे डिज़ाइंस, मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सेम प्रोसेस को फॉलो करके बनाया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।